नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है महेश कुमार लोहार, ओनर ऑफ ओलंपिक जिम मंदसौर। बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आया हमारा, इसके लिए सॉरी। और मेरे को वर्कआउट किए ने 2 हफ्ते हो गए, तो आज हम लगाएंगे बेंच प्रेस मैक्सिमम वेट हेवी वेट। करते हैं वर्कआउट स्टार्ट, तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा वार्म अप। तो हम लगाते हैं 100 जंपिंग जैक्स। और हम हाई नी भी लगा लेते हैं 50। तो ये हमारा हो गया है वार्म अप कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं पुशअप के सेट। हम लगाएंगे लगभग 40 से 50 पुशअप। तो ये हमारा 15 पुशअप कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हमको 3 सेट लगाने। तो दोस्तों लगा लेते हैं हम 10 किलो वेट के साथ पुशअप, कितनी लगती है आप देखिए। प्लेट रखो ना। तो ये हमारी हो गई वार्म अप और पुशअप कंप्लीट। अब हम लगाएंगे बेंच प्रेस। कितने से लगा रहे हो? पहले लगाते हैं हम 10 किलो। बहुत जरूरी वो इसलिए कि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे, वर्कआउट अच्छा हो। तो गाइस अब लगाते हैं हम 10-10 किलो की और प्लेटें। हम दूसरा सेट लगाने जा रहे हैं जिसमें 20 और 20 40 किलो का वजन ऐड कर रहे हैं। देखते हैं 40 किलो के कितने रेपिटेशन लगते हैं। तो हमने 40 किलो के 8 रेपिटेशन लगाए। इसके बाद हम लगाएंगे 2 सेट और, देखते हैं उनमें कितना वेट लगा पाते हैं। तो दोस्तों ये जो ये रिस्ट बैंड, इसको हेवी वेट में पहनना बहुत जरूरी है, इससे आपके इंजरी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और इससे आप प्रॉपर वेट ले सकते हैं। अब और वजन ऐड करते हैं, हम देखते हैं। साढ़े सात किलो की और प्लेटें ऐड करते हैं। तो अब लगाते हैं, कितने से लगा रहे हो महेश भैया? और आपको इतने हेवी वेट लगाने में आपको जो नोक रहता है इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत जरूरी है। चलो आइए लगाते हैं। दोस्तों अब 55 किलो के लगे हैं हमसे 4 रेपिटेशन। बहुत दिनों बाद वर्कआउट किया है, थोड़ी स्ट्रेंथ गिर गई है। तो दोस्तों वर्कआउट इतना हैवी हुआ है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम ऐड करेंगे 2.5 किलो की और प्लेटें।
और देखते हैं कि इसके कितने रेपिटेशन लगते हैं, दो लगे या एक लगे, आइए देखते हैं। रेडी रेडी वो भी 30 और 30 60 किलो वेट के साथ। वो तो मैंने लिया है इंक्रीज में। तो गाइस महेश भी अभी और वेट ऐड करने की सोच रहे हैं, मैं इनको मना कर रहा हूँ कि वेट ऐड मत करो, फिर भी वेट ऐड कर रहे हैं ये, 1.5 किलो और ऐड कर रहे हैं। तो 10-20 कितने का ये, 35 का ये पूरा है। देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, और कितने लगा पाते हैं तो कितने रेपिटेशन लगा पाते हैं। मैं वेट दे दोस्तों उनको सपोर्ट, हम 65 किलो वेट के साथ सोच रहे हैं एक रेपिटेशन निकल जाए। चलो आइए लगाते हैं, हमारे छोटे भैया सपोर्ट में खड़े हैं पीछे। बहुत दिनों बाद लगाए हैं, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ गिर गई है, ताकि हमने ना तो क्रिएटिन लिया है ना प्री वर्कआउट लिया है, नॉर्मल लगाया है। और हम ऐसे ही रेगुलर लगाते रहेंगे और हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जरूरत नहीं है कि आपको खाना ही है। आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो आप समय के हिसाब से सप्लीमेंट ले सकते हैं, बाकी स्टार्टिंग में आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।